यही बोलना है, क्या बोलना है? अरे मेरी जोर से बोलो, सभी हाथ लगाकर बोलेंगे प्रेम से, ध्यान से बोलो। मक्खन खिलाती है, अभी ब्रज में जितने गोपियां हैं इनकी मन में भी इच्छा है क्या कन्या हमारे घर मिल जाएगी, हम भी कभी गोद में बैठा कर मक्खन खिला पाऊंगी, कभी उनको दूध दे के हम भी खिला पाएंगे। भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों की इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी करते हैं। कृष्ण ने देखा फिर तो गोपियों के घर में मक्खन चोरी करना पड़ेगा। एक दिन कृष्ण सखाओं को बुलाए, बोले देखो सखाओं हम और नया खेल खेलेंगे। बोले भैया कौन सा नया खेल? बोले मक्खन चोरी करेंगे। बोले चोरी ये गंदा चीज है। बोले थोड़ी कोई रुपया पैसा हम चोरी करेंगे, हम खाने पीने का चीज चोरी करेंगे, पैसा रुपया पैसा चोरी नहीं करेंगे, और खाने पीने का चोरी को चोर नहीं कहते। एक दिन कृष्ण देखा दूसरे घर में चोरी करने से पहले अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ मैं पकड़ में आता कि नहीं। एक दिन मैया की नजर को उन्होंने बचाते हुए उन्होंने किसी अपना घर में चोरी कर रहे थे प्रभु। जब प्रभु चोरी कर रहे थे, नंद बाबा का जो घर है ना पूरा हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा हुआ है, और उनके घर में जो स्तंभ है वो मणि से बनी हुई। जब कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे थे इनकी जो परछाई ये मणि स्तंभ को ऊपर गिरा, ऐसे लग रहा था मानो मेरे घर में और भी कोई एक चोर चोरी कर रहा है, क्योंकि कृष्ण को उम्र अभी 3 साल के बच्चे हैं, उनको पता नहीं भैया परछाई भी कुछ हुआ करता है। कृष्ण को लगा शायद मेरे घर में और भी कोई एक चोर घुस गया, वो भी मक्खन चोरी कर रहा है और वो भी मेरे को देख लिया। कृष्ण देखा हो ना हो ये मैया को नहीं बोलते, बोले भैया इनके साथ में दोस्ती बना देता हूँ। बोले दोस्ती कैसे बनाऊंगा? बोले कुछ खिला करके उनसे कुछ खा करके तभी तो दोस्त बन जाएगी। कृष्ण ने मक्खन लिया, बोले भैया तुम भी मक्खन खा और मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को कुछ बोलना नहीं। इतने में परछाई भी वही बोला तुम भी खा मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। मैया पास घर में काम कर रही थी,
बोले घर में तो कोई है ही नहीं, अरे कृष्ण बात किससे कर रहे हैं। इतने में मैया यशोदा आ करके देखती है कृष्ण अपना परछाई को साथ में कृष्ण बात कर रहे हैं। इतने में मैया बोली लाला बात किससे कर रहे हो। इतने में कृष्ण देखा भैया मैया भी देख लिया चोरी करते हुए, मैया भी चोरी करते हुए मैया भी देख लिए। इतने में कृष्ण तो वहां से छलांग लगाए और जो पिलर था ना उन्होंने पिलर को उन्होंने ऐसे पकड़ लिए, बोले मैया मैया हमारे घर में एक चोर चोर घुस आए हुए। बोले कहां पर, बोले ये पिलर को बीच में। मैया देखा लाला कितने भोले वाले देखो, बोले मैया बोले लाला ये बताओ घर तुमने पहना दी ये हाथ गर्म हो गया था इसलिए मक्खन में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले मक्खन हाथ को तो ठंडा कर रहा था लेकिन तेरे मुंह में मक्खन कैसे लग गया। बोले मैया मुंह में चिट्ठी चल रहा था, चिट्ठी को हटाने के लिए गया तो मुंह में मक्खन लग गया। मैया बोली लाला तू मेरे अकेले हो, जो कुछ बनाती हूँ तेरे लिए, अरे सब चोरी करने का क्या जरूरत है। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार मैंने पकड़ गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़ने जिंदगी में रहूंगा। एक दिन कृष्ण मक्खन चोरी करते करते किसी गोपी के घर में पहुंचे। ये गोपी सोच रही थी कृष्ण तो मक्खन चोरी करने आते हैं, एक झलक तो दर्शन देती हैं, लेकिन कृष्ण जब चले जाते हैं ना फिर बड़ा कष्ट होता है। कृष्ण को फिर कैसे देखे, फिर कैसे देखे। वो गोपी ने सोचा आज कृष्ण को घर में बांध करके रखूंगी और जी भर कर उसको देखूंगी। इतने में वो गोपी मक्खन मटके में रख करके घर की कोने में छुप करके बैठी हुई। इतने में कृष्ण आगे देखे पीछे देखे और तथा कोई है ही नहीं और गए मक्खन खाने लगे। वो तो कृष्ण के लिए मक्खन बनाई, बोले मक्खन खा ले फिर तुम्हें पकड़ूंगी। जब कृष्ण मक्खन खा लिया इतने में गोपी जाकर झट कर पकड़े, बोले कहां जाओगे, तेरे को आज मैं घर में बांध करके रखूंगी। बोले देख मैं तो सोच रहा था अपना घर में मक्खन खा रहा था। बोले अपना घर में, बोले आज छोड़ दे कल से नहीं आऊंगा। बोले नहीं चल तेरे को मैं बांध करके रखती हूँ। बोले ये खंबे के ऊपर हाथ रख। कृष्ण हाथ रखे और वो अपना चोटी से जो कि फीता रिबन को उन्होंने निकाले, निकाल करके एक लपेटे। लेकिन जब लपेटने जाए कृष्ण का हाथ बड़ा कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल, और बंधे नहीं जाए खिसक जाए। कृष्ण ने कहा गोपी तूने कभी जिंदगी में बंधी गई कि नहीं। बोले नहीं। बोले जब तक खुद बंधी नहीं जाओ दूसरों को कैसे बांधोगे। बोले कन्हैया क्या तेरे को बांधना ना आता है। बोले और क्या। बोले थोड़े सिखा दे। बोले रख खबर पर हाथ रख सिखाता। कृष्ण एक लपेटे दो लपेटे एक गांड दो गांड और गुण गांड अच्छी तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधना आता। बोले और क्या। तेरी बात छोड़ दे बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी को बड़े बड़े योगियों को भी मैं अपना प्रेम में बांध देता हूँ। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी अभी तक तो मैंने किसको खोलना कभी सिखाई नहीं, मैं तो सबको बांधना ही सीखा। इतने में अंगूठी दिखाए न तो 11 बजे है। ऐसे ही कृष्ण रोज रोज घर में मक्खन चोरी करे। एक दिन कुछ गोपियां आकर के उल्लाहना देने लग गई। बोले मैया यशोदा तेरे जो लाला है ना हमारे घर में मक्खन चोरी करता है। मैया बोली मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि जिनकी घर में नल लाग गया है, आप लोग नंदा गांव गए होंगे वहां पर एक कुंड है जिसका नाम छाछ कुंड, क्योंकि इतने दूध दही हुआ करता था कि छाछ खाने पीने वाले लोग नहीं होते थे, लेकर के तालाब में उड़ाल देते थे। वहां पर एक सरोवर है। एक दिन मैया यशोदा नंद बाबा से बोले लगता है मेरे लाला थोड़ा कमजोर हो रहा है। बोले कमजोर हो रहा है, कल मैं एक दूध का तालाब बना दूंगा। मेरे लाला खूब गोता लगाए और जी भर करके दूध पिए। दूसरे दिन नंद बाबा सचमुच से दूध का तालाब बना दिया। बोले लाला खूब इसमें गोता लगा जी भर कर दूध पिया कर, क्योंकि नौ लाख जहां पर गया नदी की दूध दही की नदी वहां बह करती थी। मैया बोली देखो मेरे को विश्वास नहीं मेरे लाला तुम्हारे घर में मक्खन चोरी करती है। हाँ तभी मानूंगी अगर तू रंगे हाथ से पकड़ लिया तो। बोले ठीक है कल दिखाऊंगा। कृष्ण तो मक्खन चोरी करने जाते हैं, कृष्ण इधर उधर देखे कोई है नहीं। कृष्ण धीरे धीरे अंदर में गए और जाकर के मक्खन खाने लग गए। गोपी बोले खा ले फिर कन्या को मैं पकड़ूंगी।
जब उन्होंने मक्खन खा लिया झट पकड़ लिए, बोले चल मैया के पास में चल, तेरी मैया मानती नहीं तो मक्खन चोरी करती हो। कृष्ण ने कहा देख गोपी, तेरे खसम का पांव पड़ता हूँ, तेरे जेठ की, तेरे ननद की, तेरी सास की, तेरे बिछुए की, तो आज छोड़ कर मैं कभी और कभी भविष्य में नहीं आऊंगा। बोले नहीं, चल मैया के पास। अभी उसको ऊपर में कपड़ा ढक करके अपना घूंघट को निकाल दी, आई आई तो नंद बाबा घर को सामने बैठे हुए थे। और नंद बाबा लगते हैं जेठ, आप लोगों को पता होगा पहले जेठ के पर्दा सब करते थे। बोले भैया जेठ बैठे हुए क्या करें? बोले पीछे दरवाजे से घूम करके जाता हूँ। उसने पीछे दरवाजे से घूम करके आई और बोली मैया जसोदे। मैया बोले कहा बात है, क्यों इतना सबर सबर चिल्ला रहे हो? बोले तुम मानती नहीं ना, तेरे लाला घर में मक्खन चोरी करता है, आज तुम्हें रंगे हाथों से पकड़ करके लाई। मैया तो उसी समय कन्हैया को पलंग के ऊपर में थपथप लगा करके सुला रही थी। बोले किसको पकड़ करके लाई घर में? बोले लाला यहाँ सो रहा है, क्योंकि कृष्ण कौन है? भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या होता है? बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सत्य थे, हे को नहीं, नहीं को जो, हे कर सकते हैं, वो भगवान है। अभी बोले मेरे लाला तो घर में सो रहा है। बोले घर में क्या सो रहे हैं, पकड़ कर तुम्हें लाई हूँ। बोले लगता है भात की गोला सबर सबर खा ली, मेरे लाला तो घर में सो रहा है। इतने में वो जो बच्चा जो कृष्ण को पकड़ करके लाई थी ना, वो कृष्ण झट रूप बदला दिया, बन गए उसका बेटा, बन गए बेटा। जब बन गए, जब जब उसको ऊपर से ढक्कन खोले ना, मतलब जब पर्दे खोले कपड़े खोले, देखा वो कृष्ण नहीं, वो अपना बेटा। इतने में कृष्ण अंदर में सो रहे थे, आंख को मलते 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 आए। बोले भैया तुमने देख लिया आज ये गोपी कितने झूठ बोलती है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, ये अगर इसे झूठ बोलेगी ना, कल से मैं सचमुच से इस घर में मक्खन चोरी करूंगा। भैया तो अक्के बक्के चक्के गोपी हो गई। बोले भैया ये दरवाजा तक ये कृष्ण था, और कपड़ा ढकते ही ये लाला कैसे बच गया? वो गोपी तो बड़ी दुखी होकर के जा रही थी। इतने में कृष्ण दूसरे रास्ता से आ गए। बोले क्यों गोपी, कहा बात है? मैंने तुम्हारे कितने पांव पड़ा, तेरे खसम की, तेरे जेठ की, तेरे ननद की, तेरी सास के मैंने पांव पड़े, तुमने सुनी नहीं, मेरे को चोर बना करके लाए। भविष्य में कभी चोर बना करके लाओगे ना, तेरे खसम को चोर बना दूंगा। बोले भैया कन्हैया में कान पकड़ लिया और कभी तेरे को मैं चोर बना करके नहीं लाऊंगी। ऐसे ही एक दिन ब्रज में एक नई गोपी आई, वो लिखी बड़ी थोड़ी थी, लिखी बड़ी मतलब बड़ी चालाक चतुर थी। उसको पता चला कृष्ण घर घर में मक्खन चोरी करते, लेकिन पकड़े में नहीं आते। गोपी बोली क्या चीज ना रखे अपनी चोर न गाली दे, अपना चीज उधर रखवा रखा नहीं कर सकते, चोरों को गाल देते हैं, कल मैं देखूंगी कैसे घर में चोरी करती है। वो गोपी थोड़ी लिखी पड़ी थी, घर में तो सवेरे सवेरे लठिया लेकर सीधा घर के सामने बैठी गई। बोले आज देखूंगी कन्या कैसे मक्खन चोरी करते हैं। कृष्ण सखाओं के साथ में आए, उन्होंने एक चक्कर लगाया, देखा वो गोपी हट नहीं रही, फिर उन्होंने दो बार चक्कर लगाए, देखा ये गोपी तो जैसे जैसे बैठी हुई। कृष्ण जब तीन चक्कर लगाए ना कि बच्चा किसके गोद में लेकर इधर तो नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जब उन्होंने तीन चक्कर लगाए, इतने में गोपी बोली कन्हैया आज दाल गलने वाले नहीं, आज मैं बैठी हूँ, कैसे मक्खन चोरी कर लोगे? कृष्ण बोले मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था, तुमने मेरे को टोक दिया। बोले तेरे सारे करतूत मेरे को बताए, तुम कहाँ जाता कहाँ आता, खबरदार कल अगर इसी गली में आए ना, सीधा पकड़ करके मैया के पास में ले जाऊंगी। कृष्ण तो डर से दूसरे दिन वो गली आना छोड़ दी, लेकिन ये गोपियों को कृष्ण को देखे बगैर चैन कहाँ पड़ती है, क्योंकि गोपी गीत में कहती है बोले त्रुटि जुगाइयते स्वाम पश्यता। गोपी गीत में गोपियां कहती है कृष्ण जब गैया चराते हुए ब्रज में आते हैं, भगवान बड़ी मीठी मीठी बड़ी प्यारी प्यारी प्रभु बंसुरी बजाते हैं, और बंसी ध्वनि सुन करके सारे गोपियां सारे गोप घर छोड़कर सामने आ जाती। बोले क्यों? बोले दिन भर कृष्ण दर्शन नहीं हुई, अपना घूंघट को उठा करके कृष्ण को दर्शन करती है। दर्शन करते समय
उनके प्रेम को बता रहे हैं, कैसे प्रेम है। मानो कृष्ण का जो मुख नहीं, ये एक चंद्र है, ये एक सुंदर कमल है। जैसे कमल के ऊपर में भौंरा मोड़ाते हैं, उनको जो घुंघराली जो केस है ना, मानो जैसे भौंरा जैसे मोड़ा रहे हैं। गैया का खूर से जो धूल उठा, जैसे पाउडर लगाते ना, लग रहा है जैसे पाउडर लगाए थे। जब गोपियां कृष्ण को दर्शन करती हैं, आंखों का पलक झपकती है, जब देखना पता नहीं पड़ता है, लेकिन उतना समय भी गोपियां कहती हैं मानो करोड़ों करोड़ों युग बीत गया, कृष्ण को हम दर्शन नहीं कर पाए। ब्रह्मा को निंदा करते हैं, ब्रह्मा को सृष्टि करना जानता नहीं, इतने सुंदर कृष्ण देखने के लिए तो केवल दो आंख दिए, फिर बीच बीच में से पलक भी झपकती हैं। इसलिए गोपियों को चैन कहाँ पड़े। एक प्रहर हो गया, दो प्रहर हो गया, तीन प्रहर जब देखा वो मक्खन चोर आए नहीं, गोपियां तो छटपट छटपट करने लगे कृष्ण को देखे बगैर। अभी झुंड के झुंड पूरा के पूरा नंदम मैया की जसोदा के घर में आ गए और झूठ मूठ का बात बोल करके बोले मैया मैया, बोले कहा बात है, बोले लगता है ये गोकुल छोड़ करके और किसी गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्या क्या हो गया, बोले तेरे लाला हमारी घर में मक्खन चोरी करता है। बोले मेरे लाला, बोले हाँ, बोले एक काम करियो, मेरे लाला अंधकार को बड़ा डरता है, अंधकार में रख दिया करो। बोले मैया हमने सो करके देख लिया। बोले फिर, बोले लाला का शरीर में तो जो हीरे जवाहरात की जो मुक्ताओं की जो श्रृंगार करती, वो घर में प्रवेश करते अपने आप उजाला हो जाता है। बोले अभी मैं श्रृंगार उतार देती हूँ। बोले तेरी सौगंध हाथ मत लगाई। बोले फिर, बोले भैया कन्या की जो है, कन्या की जो नख में जो छटाएं हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं ज्ञानी लोग, कृष्ण की नख की ये छटा ये ब्रह्म है। कृष्ण की नाक से इतने ज्योति निकलती है, पूरा घर घर उजाला कर देती है। मैया कहती है एक काम करियो, मेरे लाला छोटो से ही ऊंचे छिके के ऊपर रख दिया करो, लाला के हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया सो भी करके दे दिया। बोले क्या क्या घर में कोई कीड़ा छीना कोई सीढ़ी बना करके रखे हो। बोले बलाने का जरूरत नहीं, परमात्मा ने तेरे लाला को इतने दिमाग बनाया, वो स्वयं सीढ़ी छीना बना लेता है। बोले कैसे। बोले ताओ भैया थोड़ी सी मोटे, उसको नीचे बैठा देते हैं, उसको ऊपर में मधुमंगल, उसको ऊपर में अर्जुन, उसको ऊपर में श्रीदाम, खुद ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़कर के मटकी को उतार देते हैं और सब खा लेते हैं। मैया ने कहा एक बात करी हो, ऊपर में तो माल नहीं रखना, नीचे मटकी में नहीं, एकदम बीच मटकी में माल को रखा करो। बोले भैया हमने सो भी करके देख लिया। बोले फिर, बोले फिर क्या, वो डंडा लेकर ना इसे मारते रहते हैं, देखना जिसमें माल होगा ना उसमें आवाज नहीं होगी, और जिसमें माल नहीं होगा उसमें ठन ठन आवाज होता है। और पहले मिट्टी का पात्र हुआ करता था, अगर जिसमें दूध दही मक्खन होगा वो गीला गीला होगा, और जिसमें माल नहीं होगा वो सूखा सूखा होगा। बोले मैया डंडे मार करके ना पूरा का पूरा सटका लेते हैं, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते। मैया ने कहा एक बात करियो, मेरे लाला तुम्हारे घर में जितने मक्खन खाता है, जितने मक्खन खाता है, मेरे से डबल डबल ले जाया करो। गोपियां कहती है मैया तेरी आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं। इसलिए फिर कृष्ण को दर्शन करते हुए गोपियां वापस आ जाती हैं। एक दिन मैया जसोदा बोली, बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले भैया मेरी शादी नहीं होगी, सारा दुनिया तो शादी के लिए पागल बनते हैं, नौकरी चाकरी दुकान मकान क्यों करते, केवल शादी के लिए सब कुछ करते हैं, और तू कहती है मेरी शादी नहीं होगी। बोले बेटा ये बताओ शादी कैसे होगी, पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई अपना बेटी देगी, लगता है तू कुंवारा का कुंवारा रह जाओगे, शादी नहीं होगी। कृष्ण ने देखा भैया बड़ी गड़बड़ी होगी, मैया कहती मेरी शादी नहीं होगी। इसलिए कभी कभी कन्या मचलते हैं, बोले मैया मेरे लिए एक बहू ला देना। बोले कैसे, बोले गोरी होनी चाहिए, मेरे से लंबी नहीं मेरे से छोटी होनी चाहिए, अगर मैं कभी झगड़ा करूँ ना तेरे से शिकायत नहीं करेगी, और नाक सुपकी जैसे होनी चाहिए। बोले मैया जैसे थाला भर भर कर मेरे को खाना खिलाए, अगर कभी मैं रूठ जाऊँ ना मेरे को गोद में लेकर कभी मेरे को मनाए। कृष्ण कभी कभी कहते भैया मेरे लिए छोटी सी एक दुल्हनिया ला देना। इसलिए
यहाँ पर कृष्ण देखा मैया कहते तेरे शादी नहीं होगी, कृष्ण देखा मैया गड़बड़ी हो गई, कहते मेरे को कोई बेटी नहीं देगी, मैं तो कुंवार रह जाऊंगा। कृष्ण ने सोचा मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दू ना, मैया को विश्वास हो जाए मैंने चोरी नहीं की, फिर तो मेरे को शादी हो जाएगी। देखो कृष्ण क्या एग्जाम्पल देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने मान मखन कब चोरी की। बोले मैं बालक बही अनेक छोटो काही विधि सिखा पायो। बोले भैया दूध मखन तो छिके के ऊपर रखते ना। बोले हाँ। बोले मैं इतने से छोटा सा बालक हूँ, 3 साल का, बता तेरे हाथ कैसे पहुंचा वहां पर। बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ रहता है, तेरे हाथ में जो मक्खन लगता है। कृष्ण कहते भैया तू बड़ी भोली भारी हो, ये सखा लोग तो मक्खन चोरी चोरी कर खाते हैं और जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में और हाथ में मक्खन लगा देते हैं और तू इनकी बात सुन लेती हो। बोले मैया लगता है मैं तेरे लाला ही नहीं, लगता है किसी ने मेरे को जन्म दे करके मेरे को फेंक कर गई थी और तू वहां से उठा करके मेरे को तो लालन पालन कर रही हो। क्यों दुनिया कहते मक्खन चोर और तू भी कहते मक्खन चोर, लगता है मैं तेरे लाला नहीं। बस इतना सुनते ही मैया का जो हृदय है ना एकदम पिघल जाती है मैया के हृदय। फिर मैया क्या करती है, कन्या को गोद में भर लेती है। बोले लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की, तुमने नहीं। फिर कृष्ण बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने मान खायो मैया। हमारे संतों ने बड़ी रहस्य बात बताई। आप लोग घर में मक्खन बनाते हो, कौन कौन बनाते हो, हाथ उठा कौन कौन घर में मक्खन बनाते हैं। देखो इसकी तात्पर्य को समझो, कृष्ण मक्खन क्यों चोरी करते थे और ये मक्खन चोर का तात्पर्य क्या है, अच्छे तरह से समझो। देखना जब मक्खन बनाओगे ना, सबसे पहले दूध गलाओ, सबसे पहले दूध गलाओ और दूध को ला कर क्या करो, गर्म करो। दूध को पहले गर्म करना पड़ता है। कहते हैं दूध गर्म करना मतलब क्या, बोले मतलब है जब किसी भक्तों के हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जाए। गर्म मतलब होता है ठाकुर कब मिलेंगे, ठाकुर कब मिलेंगे, ठाकुर हमें कब मिलेंगे, इस जो उत्कंठा यही
दूध का गर्म करना, दूध गर्मी हो गया उसको बाद में फिर उसमें जमन डालते हैं, है ना, जमन डालते हैं, लेकिन जमन थोड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होगा ना खट्टा हो जाता है, फिर मक्खन भी खट्टा हो जाएगा, इसलिए फिर जमन डालते हैं। बोले ये जमन मतलब क्या? बोले जब हृदय में हमारी उत्कंठा आएगी फिर भगवत इच्छा से उसको सद्गुरु की प्राप्ति होती है। हाँ, यही सद्गुरु जो हमें कृष्ण मंत्र देते हैं, कृष्ण नाम देते हैं, यही उसमें जमन डालना। क्योंकि श्री गोस्वामी जी कहते हैं बिनु गुरु भवनी भी तरई न कोई, जो ब्रीच शंकर सम होई। जब तक हम किसी सद्गुरु की चरण आश्रय नहीं करते हैं तब तक हमें भगवान भगवत प्राप्त नहीं होता। इसको कहते हैं ये जमन डालना। देखो हम क्यों अपने आप क्यों भगवान का नाम नहीं करते हैं? श्री गुरु जी को पास में जाने का क्या जरूरत? कि अपने आप ठाकुर का नाम करने से नहीं होगा? देखो इसका जीव गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण दिया, ये चीज को अच्छे तरह समझो। हम क्यों कथा खुद नहीं पढ़ लेते हैं, फिर साधु को पास में कथा क्यों सुनते हैं, मंत्र अपने आप क्यों नहीं जप करते फिर साधु पास में क्यों जाते हैं? देखो मन देकर सुनो। श्री जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, ऐसे कुछ पेड़ है, अगर वो पेड़ से डायरेक्ट आप बीज को लेकर के बो दो वो वृक्ष नहीं होगा। जानते हो ऐसे कौन सा पेड़ है? बोलो बोलो, तुम कौन बोले? हमारे भक्त लोग तो बोलते हैं, जब नए लोग बोलो ऐसे कौन सा वृक्ष है अगर वो पेड़ से बीज लेकर के आप बोगे ना वृक्ष नहीं होगा, कहते हाँ चलेगा। इसलिए यहाँ पर बताए विशेष करके बरगद का पेड़ और पीपल पेड़ देखोगे आप, कभी भी पीपल पेड़ बरगद का पेड़ को वो पेड़ को नीचे कभी आप वृक्ष नहीं देखोगे, देखो किसी छत के ऊपर देखोगे, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे, हैं? आप कभी वृक्ष को नीचे कभी नहीं देखोगे। बोले ऐसे क्यों? बोलो वृक्ष का क्यों? आप देखना एक वृक्ष होने के लिए तीन चीज की जरूरत है, एक मिट्टी चाहिए, एक हवा और एक पानी, इसके बगैर पेड़ नहीं होती है। लेकिन आप देखना ये बरगद का पेड़ जब चिड़िया खा करके किसी छत के ऊपर भी बीट कर दे, आप बगैर पानी के वहां पर पेड़ हो जाता है। देखना इतने कभी जोर जबरदस्त वृक्ष होता छत को फाड़ देता है, देखे कि नहीं आप लोग ने, एकदम छत को फाड़ देती है। इसको श्री जीव गोस्वामी उदाहरण देते बोले उसी तरह हम गुरु जी से क्यों नाम ग्रहण करें, अपने आप क्यों नहीं करते? बोले नहीं, ये अपने आप होने वाले वस्तु नहीं, जब ये मंत्र को कोई गुरु परंपरा से ग्रहण करने चाहिए, गुरु जी की परंपरा से नाम को ग्रहण करनी चाहिए। ग्रहण करते हुए जब किसी साधु के हृदय में जाता है, जब वो साधु वो मंत्र को जप करता है, वो मंत्र जप करते 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 एक दिन वो मंत्र साक्षात कृष्ण रूप दर्शन देता है, साक्षात भगवत स्वरूप में दर्शन देता है। जब दर्शन देता है जब उसकी मुंह से ये ठाकुर जी का नाम सुनोगे फिर तो वो मंत्र इतने जोर जबरदस्ती होता है, हमारे हृदय में नीरस है सुखा हृदय है, लेकिन वो मंत्र में इतने शक्ति सुखा हृदय में भी वो भक्ति की संचार कर देती है, वो प्रेम को संचार कर देती है। इसलिए नियम है मंत्र को डायरेक्ट नहीं लेकर किसी साधु की मुंह से उनसे मंत्र ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए इसमें जो जमन है कहते ये कृष्ण मंत्र भगवान के नाम रूपी मंत्र को लिए, अभी तो मंत्र हमने ले लिया फिर उसको बाद में क्या करो, दही जम गई फिर मंथन करो, उसको क्या करनी चाहिए? मंथन करनी चाहिए। बोले भैया मंथन क्या है? बोले साधन। ऐसे नहीं गुरु जी से हरिनाम ले लिया मंत्र ले लिया और माला जहां तहां लटक रहा है, हरिनाम नहीं मंत्र नहीं, ऐसे नहीं। उदाहरण दिया जैसे आप कलकत्ता जाना चाहते हो, आपने एक टिकट खरीद लिया, अगर वो टिकट को पॉकेट में रखोगे क्या कलकत्ता पहुंच जाओगे? नहीं, आपको रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना कोच नंबर देखना पड़ेगा, अपना सीट नंबर देकर बैठेंगे फिर वो ट्रेन आपको लेकर के कहां पर पहुंचा देगा, फिर कलकत्ता में पहुंचा देगा। किंतु उसी तरह गुरु जी तो माला ले लिया हरिनाम ले लिया, अगर वो माला को अगर जहां तहां पड़ा रहा, माला फला से कोई मतलब नहीं भजन से, फिर भगवत प्राप्ति होगी? बोले नहीं, उसके लिए हमें मंथन, मंथन मतलब क्या है, हमें साधन की जरूरत है भगवान की। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
सोल में आप बोलो मैं सुनूंगा जोर से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो आप तो एक बार ठाकुर का नाम लेते हो जानते हमारे गुरु जी कहते हैं जैसे एक पत्थर उठाओ और पानी में फेंको, पत्थर उठाकर पानी में फेंको क्या होगा बताओ, वो पानी में लहरी आएगी, पानी में लहरी आएगी, वो लहरी क्या करेगी अंतिम छोर को स्पर्श करके फिर दो बार लहरी आएगी, फिर तीन बार लहरी आएगी। उसी तरह जब भगवान के हम नाम जप करते हैं, ये भगवान का नाम है, मंगल भवन अमंगल हरि। में एक गांव का बेटा है, जब हमारे गांव में कहीं आग लग जा रही, कहीं दुर्भिक्ष, कहीं महामारी या बीमारी हो, हमारे गांव के लोग क्या करते थे, बजीरा और ढोलकी मृदंग लेकर के पूरा गांव गांव में कीर्तन करते थे। जब ठाकुर का नाम कीर्तन करते थे कुछ दिन में गांव का सारे दुख कष्ट अपने आप शांत हो जाता था, क्योंकि जो भगवान का जो नाम है ना सप्त ब्रह्म है, ये साधारण वस्तु नहीं। देखो एक समय साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, रिसर्च किया बोले भैया सारा दुनिया कहते हैं भगवान का नाम लेने से दुख दूर हो जाता है, क्यों इसका क्या कारण है। देखो साइंटिस्टियों ने क्या किया, उन्होंने तीन ट्रे लिया और तीन ट्रे में जो साबुत जो मूंग दाल तीन ट्रे में कुछ कुछ दे दिया और उसमें पानी दे दिया, पानी दे करके एक ट्रे को उन्होंने एक जगह पर एक ट्रे को रख लिया, दूसरे जगह पर उसमें हरे कृष्ण महामंत्र को जो कैसेट में चलता है वहां पर लगा दी, और जो तीसरे ट्रे को उन्होंने जो रक म्यूजिक और रक म्यूजिक के पास में वहां रख लिया। बोले देखते हैं क्या होता है। तीन दिन बाद में देखा जहां पर साधारण स्थान में जो मूंग दाल रखे थे उसमें अंकुर थोड़ी आया, लेकिन जहां पर ये हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था उसमें दो तीन गुना उसमें अंकुर आया, जहां रथ म्यूजिक चल रही थी वहां पर एक भी अंकुर उसमें नहीं आया, वो मर गया सब के सब। बोले भैया सचमुच से ठाकुर जी का नाम में बड़े शांति सो गए, आप लोग स्वयं देख लेना घर में बड़े दुख कष्ट है, किसी तरह से हाल नहीं हो रहे, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, आप अपना घर में बैठो, परिवार को सबको लेकर के बैठो, मजीरा हो मृदंग हो तो अच्छी बात, अगर ये भी नहीं हो सबके सब बैठ करके भगवान हाथ दिया है, थोड़ी सी करताल बजाते हुए बोले ताली बजाते हुए घर में थोड़ी हरि कीर्तन करना, आप स्वयं देख लेना घर की जितने बड़े से बड़े दुख कष्ट क्यों नहीं हो सबके सब अपने आप शांत हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं जैसे गेहूं का बीज धान का बीज देखना जमीन में ऐसे ऐसे फेंक देते हैं लेकिन वो बीज उल्टा पड़े सीधा पड़े तो टेढ़ी पड़े, लेकिन जो पेड़ होता है कैसे होता है बोलो, पेड़ जब होता है वो सीधा होता है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आ लखन नाम दिशा हो की करके बोले हाँ नाम जपत मंगल दस दिशा भाई को भाई अलग राम ना सकई नाम गुण गाई, कहते भगवान राम भी अपना नाम की महिमा, प्रभु राम भी उनकी महिमा नहीं बता सकते हैं, इतने भगवत नाम की प्रभाव है। ठीक है ना, सब समझ गए कि नहीं, सब समझ गए, कौन समझ गए, इसलिए घर में ठाकुर जी की सबके सब नाम कीर्तन करना, ठीक है ना ठाकुर का, इसलिए कहते ये मंथन मतलब होता है गुरुज से हमने जो हरिनाम लिया जो माला लिया है उसको नियमित पूर्वक माला जप करनी चाहिए, नियमित पूर्वक माला जप करनी चाहिए, इसको कहते मंथन है। अभी मंथन किया तो क्या होगा, एक तरफ में छान और एक तरफ में मक्खन निकलेगा। बोले भैया ये मक्खन क्या छाच किया है, कहते ये मक्खन प्रेम, ये मक्खन प्रेम, जब हम भगवान के नाम जप करेंगे हृदय में भगवत प्रेम हृदय में जागृत होगा, जब भगवत प्रेम हृदय में जागृत होगा, बोले प्रेम का दो लक्षण बताया, प्रेम का पहला लक्षण है श्री कृष्ण कार्षणी चसा, उदाहरण दिया जैसे कि कमल का फूल खिले, आप देखना ये फूल भवरा के पास में नहीं जाता है, ये भौरा फूल को पास में आकर के उसका मधु हमको
आस्वादन करना है। उसी तरह हृदय में जब कृष्ण प्रेम प्रकट होगा, आपको कृष्ण के पास में जाने का जरूरत नहीं, कृष्ण आपको पास में आएंगे। आप बताओ, गोपियां कृष्ण के पास में जाते थे ना कृष्ण गोपियों के घर में आते थे? बता कौन किसके पास में जाता था? कृष्ण गोपियों के घर में आते थे। बोले क्यों? बोले इनके हृदय में कृष्ण का प्रति प्रेम, कृष्ण का प्रति प्रेम थी। इसलिए जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की, ध्रुव ने नारायण के पास नहीं गए, नारायण उन्होंने ध्रुव जी को दर्शन करने आए। जब नारायण सधज करके वैकुंठ से आ रहे थे, तब वैकुंठ वासियों ने पूछा, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले ध्रुव जी को दर्शन करने, दर्शन देने नहीं, ठाकुर जी के ध्रुव जी को दर्शन करने में जा रहा हूँ। मतलब भक्ति में इतने शक्ति ठाकुर जी स्वयं खेच करके आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मक्खन चोरी का मतलब है, ये मक्खन नहीं, मखन। मखन मतलब क्या? मख मतलब होता है क्रोध, अन्ना मतलब नहीं, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह जिसमें नहीं। बोले भैया ये काम क्रोध लोभ किसमें नहीं? बोले संतों का हृदय है। बोले संतों में सबसे बड़े संत कौन है? बोले ब्रज की गोपियां ही सबसे बड़े संत हैं। गोपी मतलब होता है, गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होना है पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती है, ये ब्रज गोपियां हैं। ये गोपियां कोई स्त्री फ्री नहीं है। पहले हमें सुन रहे थे ना वेद का मंत्र है, वेद का मंत्र, ऋषि मुनि लोग कठोर तपस्या करके ये ब्रज में गोपी रूप में ग्रहण किया। कल सुनेंगे शंकर भी स्वयं रास दर्शन करने के लिए गोपी बन करके आते हैं। शंकर जी गोपी बन करके आते हैं ना, फिर शंकर जी के गोपी बनते हैं। इसलिए ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं, ठीक है ना। इसलिए मक्खन चोरी मतलब होता है भगवान मक्खन नहीं, गोपियों के हृदय में कृष्ण का प्रति जो प्रेम है, कहते वो प्रेम को चोरी करने के लिए आते थे। इसलिए
हरे कृष्णा। हम लोग कितने दिन की कथा सुनेंगे? सात दिन कथा सुनेंगे। सात दिन कथा सुनेंगे ना, देखो नियम है, कथा से कुछ लेनी चाहिए और कथा में कुछ देनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ लो और कुछ दो। बोले भैया क्या दे? बोले सारी गंदी चीजों को दे दो, ये बच्चों को खड़े करके अलग बैठा, अलग बैठा, पीछे चले जाओ। इसलिए बोले क्या दे? बोले सारी गंदी चीजों को दे दो। बोले क्या ले? बोले जितने अच्छी चीजों को ले। अच्छी चीज को जैसे मधुमक्खी बनो, एक मक्खी है और एक मधुमक्खी। मक्खी क्या करता है? गंदी चीज में बैठता है। मधुमक्खी क्या करती है? वो शहद, शहद ग्रहण करता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, हमें मधुमक्खी बन करके कथा की सार को हमें ग्रहण करनी चाहिए। और मैंने भी सात दिन कथा सुनाई, ठीक है ना। इसलिए हमें चाहता हूँ आप कुछ यहाँ से लेकर के जाओ। यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? बोले भगवान की भक्ति लेकर के जाएंगे, ठाकुर जी की प्रेम को लेकर के जाएंगे। देखो हम आज एक रोज एक एक माला जप करते हैं ना, आज भी एक माला जप करेंगे, लेकिन मैं एक सुंदर एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसको बाद में फिर माला जप करेंगे, ठीक है। मैं ऐसे एक स्टोरी सुनाऊंगा, समझो कि जो सात दिन तक हमने कथा सुनी है इसकी सार सुनाऊंगा। ये स्टोरी जो सुनाऊंगा, ये स्टोरी सुनाने का बाद फिर मैं देखूंगा मेरे को दो बार कौन बोल पाता है। जो बोलेगा ना मैं बढ़िया इनाम उसको दूंगा, बहुत बढ़िया मैं इनाम दूंगा। और जो जो नहीं बोल पाएगा फिर बीच में खड़े कर दूंगा उसको। इसलिए आप ऐसे कथा को सुनना जैसे कथा के बाद आप सुना सकते हो। इसकी घर को सामने कोई आई टन 44-55 कोई गाड़ी खड़ी है, जिसका गाड़ी हो थोड़ी सी आप थोड़ी सी वहां से हटा दें। हरे कृष्णा। इसलिए कि कथा को ऐसे सुना जैसे कथा सुनने का बाद जैसे मेरे को आप दोबारा जैसे कथा को सुना सकते हो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। देखो कोई एक राजा था, कहते राजा के चार रानियां थी। कितना रानियां थी? चार। चार रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश करता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, कहती है चार रानियों में ये सबसे देखने में सुंदर थी। इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था, ये रानी को सबसे बढ़िया बनारसी साड़ी और बड़ी सुंदर गहना पहना करके उसको सजा सजा करके पास में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी है, कितने सुंदर है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो बड़ी मीठी मीठी बात को बना बना करके बोलती थी। इसलिए राजा जब वो नगर घूम राजा जब अपना महल में आता था, वो तीसरी नंबर रानी को पास में बैठता था और उसको मीठी मीठी बोली सुनकर के बड़ा खुश होता था। लेकिन मन की बात और किसको नहीं, वो तीसरी नंबर रानी को केवल मन की बात उससे बोलता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी, हे तो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी, लेकिन राजा जब से उसको घर में शादी करके जब से लाए, तब से उसको साथ में राजा कोई मतलब नहीं रखा। कभी उसको पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, उसको कभी नहीं पूछता था। उसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखा। अभी राजा का अंतिम समय आया संसार छोड़ने का। सोचा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे प्रश्न करके देखता हूँ कौन रानी मेरे साथ में कितना दूर तक जाता है। सबसे पहले उसने बड़ी रानी की नंबर आई। आप बताओ बड़ी रानी कौन थी? आप लोग कोई कथा नहीं सुन रहे हो? हे भगवान, अभी अभी भूल गए तो फिर बाद में क्या बोलोगे? बोलो सबसे बड़ी रानी कौन थी? ध्यान देकर सुनो। राजा जिसको सबसे ज्यादा जीवन में प्रेम करता था और जिसकी मन पसंद चीज को ला ला करके देकर उसको खुश करता था, हैं? सबसे बड़ी रानी से पूछा, बोले रानी तुम मेरे साथ में जाओगी? लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली हुई थी। बोले तेरे साथ में कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों? मैंने जो तेरे लिए जो सेवा की, बोले तेरी कर्तव्य थी, तेरा कर्तव्य था। बोले तेरी
बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरे प्रति नहीं, मैं एक कदम भी तेरे साथ में चलने वाले नहीं। राजा को तो बड़ा कष्ट पहुंचा। अभी उसने देखा दूसरी रानी से पूछो, दूसरी रानी से पूछी, दूसरी रानी कौन थी? सुंदर, सबसे सुंदर थी जो है, जिसको राजा बड़ी सुंदर श्रृंगार करके रथ में बैठा लेता था, दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये मेरी पत्नी कितने सुंदर है। उससे पूछा तू साथ में चलोगी? बोले मैं चलूंगी, मैं तो देख रही हूँ तू कब मरोगी और मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले देख मैं कितने सुंदर, जहां जाऊंगी मेरे को वही पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी करके चली जाऊंगी। राजा को और कष्ट मिला, ये क्या बोल रही। अभी उन्होंने तीसरी रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी? बोलने वाली थी, जो बड़ी मीठी मीठी बोली बोलती थी हैं, और राजा जिसकी बोली सुनकर खुश होता था और मन की बात जिसको बताया करता था। बोले रानी तू क्या करोगी? वो थोड़ी अच्छी निकली। बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना? बोले ज्यादा बोलोगे ना, चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन साथ नहीं चल सकती हूँ। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं, जो दरवाजा तक चले कोई चलना इसको कहते हैं? बोले भैया मैं तो उतना तक चल सकती हूँ। बोले तुम भी बेकार किसी काम की नहीं। और चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी? जिस पर राजा कभी प्रेम नहीं करता था, कभी पूछता नहीं था तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया था, उससे पूछा तू साथ में चलोगी? लेकिन वही राजी होती है। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार मेरे तरफ में झांक कर भी नहीं देखा, कभी तो पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन तुमने जो कुछ मेरी प्रतिज्ञा किया, लेकिन मैं कभी बेईमानी नहीं कर सकती क्योंकि तेरे को मैं दिल से प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी बनूंगी, दुख में दुखी बनूंगी, और समय आएगा ना प्राण दे करके मैं तेरी सेवा करूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए मैंने जिंदगी दिया वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार है। देखो ये जो कथा है ना, ये हमारी जीवन की सच्चाई है और यही भागवत का सार है। अगर आप लोग इतनी सी बात अगर समझ गए, समझना कथा सुनना हमारी छात्र कथा हो गया। अब ये चीज को समझो और कोशिश करो इसका जो शिक्षा को अपना जीवन में उतारने के लिए, ठीक है ना। कहते सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी हम जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो जिस समय जो चीज की मांग करती है ना, हमें कुछ भी क्यों करना नहीं पड़े वो ला ला करके उसको दे रहे हैं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा उससे पूछे के साथ में चलोगे, वो सबसे ज्यादा धोखे हुए थे। कहती ये कौन है जीवन में किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? किसको प्रेम करते हो? देखो ये जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम जो करते हैं ना अपने आप को हम करते हैं। हम ये शरीर को प्रेम करते हैं, दुनिया में प्रेम नहीं है। कहते आप कैसे हो? बोले जब तुम्हें जेब में पैसा हो। बोले पैसा कर आप नहीं तुम कौन हो? इसलिए प्रेम जगत में नहीं केवल स्वार्थ है, जो प्रेम थोड़ी बहुत दिखता है ना वो स्वार्थ की वजह से प्रेम दिख रहे हैं, वो स्वार्थ बंद हो जाए प्रेम उसी समय खत्म हो जाती है। फिर प्रेम किसको कर रहे हैं? बोले अपने शरीर को, अपने आप को प्रेम करते हैं। जैसे उसको जो मांगती थी वही देता था। अगर ये शरीर बोलेगा च्यवनप्राश खाना चाहता, बोलो खिलाएगी। बोले जिम जाना चाहता, बोले जिलाएगी। बोले ब्यूटी पार्लर में सजाना चाहता, बोले सजाएगी। बोले ऐसे साड़ी पहनना चाहता, बोले चलो खरीदी करेंगे। बोले ये खाना खाना चाहता होटल में, चलो पिज्जा पास्ता खिलाएंगे। देखना ये शरीर हमें जिस समय जो चीज मांगती है ना हम उसी समय में उसको देते हैं, लेकिन अंतिम समय आया शरीर से पूछे भैया साथ में चलोगी? बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा केवल पिंजरा खड़ा रह जाएगा। शरीर से जब वो परमात्मा चले जाए, जिस शरीर को हमने इतने जतन की, इतने उनको सवारे, ये शरीर यहीं पे यहीं पड़ी रह जाती है। हाँ अभी दूसरी पत्नी आई, दूसरी पत्नी कौन थी? सबसे सुंदर है राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था। बोले सबसे सुंदर कौन है? कहते ना बाप बड़ाना भैया, बाप बड़ाना भैया सबसे कहती ये सबसे सुंदर, क्योंकि अब देखना पैसा के बगैर कुछ नहीं होता है, पैसा के बगैर कुछ नहीं होता, सबसे सुंदर ही है। पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया पहनेंगे,
ये पैसा की कमाल है, लेकिन जिसको हम सारा दुनिया को दिखाते हैं, अभी पैसा से पूछे, बोले भैया साथ में चलोगी, लेकिन वो क्या कहती हैं, कहते मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगी, मैं दूसरे से शादी करूँगी। मतलब क्या है, आज हमारे पास में पैसा, आप देखना बच्चों का नजर कहाँ रहता है पैसा के ऊपर, पिताजी कितने प्रॉपर्टी कहाँ पर, कौन सा ATM कार्ड में, कितने बैंक में, कहाँ, पहले नजर ये रहता है, और शरीर छूटते ही ये पैसा झट दूसरों के पास में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए वो कहती है भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, तेरे साथ में नहीं चलूंगी, ये भी गई। अभी तीसरी पत्नी आई, तीसरी पत्नी जिसकी मीठा मीठा बोली सुनता था, जो बड़ा खुश होता था, हैं, कहते भैया ये लोग कौन है, कहते ये परिवार वाले हैं जिनको साथ में बैठ करके हम दुख सुख की बात करते हैं। पहला नंबर पत्नी से, पत्नी की आई, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी, बोले हाँ चलोगी, बोले कहाँ तक, बोले दरवाजा तक चलोगी। हमारी हिंदू संस्कृति है, जब पति शरीर छोड़े पत्नी कहाँ तक चलती है, कहाँ तक, दरवाजा तक चलती है। अगर जाता हो तो सामने चार कदम तो चलेगी, लेकिन साथ में वो नहीं जाती है। फिर परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, बढ़िया आरती सजाएगी, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ तक, बोले शमशान तक जाएंगे, बोले फिर, बोले तेरे लिए बढ़िया चिता सजाएंगे, लेट आ करके जला करके टाटा करते करते वापस वहीं से आ जाएंगे, बोले आगे, बोले आगे और नहीं जा सकते। अभी ध्यान देकर सुनो, जो चौथी जो रानी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलित कर रहा, ये बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन अंतिम समय आया तो केवल वही साथ देती है। कहती ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा हम निगलित कर रहे, कहती भगवान की भक्ति है और भगवान का नाम है। अगर बोले भैया थोड़ी सी एक माला बैठ करके जप करो, थोड़ा ठाकुर जी का नाम लो, बोले काम धाम नहीं, जिसका काम धाम नहीं ना उसे माला लेकर सब हरे कृष्ण दिन भर करते हैं। हमारे तो बहुत सारे काम है, सिनेमा देखना, घूमने जाना, और ये करना वो करना, हमारा तो बहुत सारे काम हमारे अंदर है, लेकिन थोड़ी सी भगवान के नाम के लिए बोलो तो, बोले कोई हमारे पास में समय नहीं। लेकिन जब अंतिम समय आए, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना बेटा। जितने तुमने हरि का नाम लिया है, जितने तुमने ठाकुर जी का नाम लिया है, वही केवल तुम्हारे साथ में जा रही है, और तुमने जीवन में जो कुछ किया झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रही है। इसलिए बीरा कहती है पायो जी मैंने धन पायो, इसलिए बीरा यही कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने जीवन में ठाकुर जी के नाम किया वही धन ही साथ में जाती है। कहते वस्तु अमोलो को तीमरे सदगुरु कृपा करे अपनायो, बोले ये धन कहाँ से मिला, बोले सदगुरु से ये मिला है। बोले ये धन कैसे है, बोले चोर नहीं लगे लूटे नहीं जावे, दीन दीन पड़त सवाय, जो धन को चोरी चोर नहीं कर सकता है, लूटने वाले नहीं, जो धन केवल बढ़ती रहती है, जो धन कभी घटती नहीं, वो कौन सा धन है, ये कौन सा धन है, ठाकुर जी की नाम धन है, ठाकुर जी की नाम धन। आप लोग बताओ कौन सा रानी को ज्यादा प्रेम करोगे, बताओ, चार रानियों में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करोगे, चौथी वाली, और चौथी वाली कौन सा रानी है, भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम, क्या है, कुछ बोल रहे हो, गाड़ी उठा, उन्होंने उठाया नहीं, यही से नंबर क्या बता, I-10 है, ग्रे कलर की 4455, किसका गाड़ी, कौन लाए है, लाया है भैया, अगर नहीं पता लगा तो अभी भी चले जाओ, तो गेट के मंदिर के सामने भी, मैं सामने वाली गाड़ी नंबर तो बताओ, 4455, ठीक है, बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो, हाँ देखो,
भक्ति करने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत है। कितना चीज की? तीन चीज। एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम अमेरिका जाना चाहते हैं, नहीं तो लंदन फ्रांस जाना चाहते हैं, हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। कितने चीज होनी चाहिए? तीन। बताओ तीन चीज क्या क्या होनी चाहिए? पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरी नंबर वीजा, और तीसरी नंबर पैसा, टिकट। देखना इसी दुनिया में अगर आपके पास में ये तीन चीज हो ना, फिर आप इसी दुनिया में किसी विदेश में जा सकते हो। कहते तो उसी तरह अगर हमें ठाकुर जी को पास में जाना है ना, हमारे पास में भी तीन चीज अगर हो ना, सीधा आप ठाकुर के पास में चले जाओगे, आपको कोई भी रोक नहीं सकते, सीधा गोलोक वैकुंठ वृंदावन चले जाओगे। बोले भैया वो तीन चीज क्या है? पहला नंबर पासपोर्ट। बोले भैया ये पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कंठी, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। देखो ये तुलसी माला की कितने महत्व है। जब हमारे बड़े गुरुजी अमेरिका में गए, ध्यान देकर सुनो ये क्यों गले में हम तुलसी माला पहनते हैं। जब हमारे बड़े गुरुजी अमेरिका में गए, जो अंग्रेजी लोगों को बोले देखो गले में तुलसी की कंठी पहनो, बोले ये लकड़ी क्यों पहनेंगे? हमारे पास में सोने चांदी हीरे जवाहरात, हम ये लकड़ी क्यों पहनेंगे? तो उन्होंने बताया देखो ये लकड़ी नहीं, इसमें सारे मेडिसिन इसके अंदर में। तो उन्होंने सारे वेद पुराण से श्लोकों को उठा उठा करके प्रमाण दिया। तब अमेरिका में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया ये हिंदू लोग ये लकड़ी क्यों पहनते हैं, और हिंदू लोग जैसे तुलसी वृक्ष है यदि हिंदू लोग इसको आरती करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं, इनकी दिया जलाते हैं, भैया पेड़ में क्या चीज है? तब उन्होंने अमेरिका में रिसर्च करके देखा पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा कोई मेडिसिन है ना ये तुलसी वृक्ष में। आप लोग मेडिसिन शॉप में जाना, एक दवा को ढूंढना, बोलना तुलसी पावर है आपके पास में, देखना इतना बड़ा आपको बोतल मिलेगा, इतना बड़ा पेपर मिलेगा, कल मेरे को पढ़ करके बताना उसमें क्या लिखा हुआ, 200 बीमारी की जो मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। बताया अगर दो दो कोई तुलसी पत्ता खाए ना, कभी जिंदगी में टीबी कैंसर कभी जिंदगी में नहीं होगी। आप पातंजलि में जाकर के ढूंढना तुलसी जूस, उसको लेकर से क्या होता है, कैसे शरीर के लिए कौन सा लाभ होता है, इसको पढ़ करके आना है। इसलिए उसमें 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ, कहते ऐसे कोई मेडिसिन नहीं, कैंसर का कोई आंसर नहीं, लेकिन कैंसर जैसे बीमारी, एक माता को कैंसर हो गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गया, उनको बोला आप तुलसी का जूस पिया था उसे सही हो गए, इतने शक्ति ये तुलसी वृक्ष में है। इसलिए ये तुलसी में सबसे ज्यादा मेडिसिन तुलसी वृक्ष में। आप देखना भारतीय संस्कृति है, जब ठाकुर जी को कोई भोग लगाते हैं ना उसमें तुलसी बता देता है, ये भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये बहुत बड़ा साइंस है। क्यों? उसमें जितने खराब बैक्टीरिया खत्म हो जाती है, क्यों? इसमें बहुत सारे मेडिसिन इसमें, और जब तक तुलसी पता नहीं देते ठाकुर ग्रहण भी नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने देखा तुलसी में अगर गले में कंठी मतलब क्या हो गया, सारे मेडिसिन तुम्हारी गले में, सारे मेडिसिन आ गए। आप लोग तो हिंदू है, देखना तुलसी को साथ में सालक राम की शादी होती है, हम लोग देखे कि नहीं देखे होंगे, मतलब ये तुलसी लक्ष्मी है। अगर गले में कंठी मतलब कौन हो गई, माँ लक्ष्मी की निवास हो गई। और तुलसी में और कौन है, जब ठाकुर जी ये दुनिया छोड़ करके गए अपनी आप को तुलसी वृक्ष में रख कर गए। हम बोलते ना भैया वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले बांके भी आए, बोले वृंदावन में क्यों? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन, वही बांके भी आ गई। अगर किसकी गले में तुलसी कंठी है मतलब हो गया गले में बांके बिहारी और गले में लक्ष्मी आ गई, दोनों की चीज आ गई गले में। हाँ देखो तीसरा लाभ, देखो प्रश्न है हम इसको गले में क्यों धारण करते हैं, ये चीज अच्छे तरह से समझो, हम इसको कंठी करते हैं, ये कंठे में क्यों धारण करते हैं? इसका साइंटिफिकल रीजन दिया, शरीर का सबसे जो कोमल अंग ये कंठ है। अगर किसी व्यक्ति को मारना हो, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल इतना गला दबा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए शरीर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती इधर से, इसलिए बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते, गले में, ताबीज गले में पहनाते ना, कोई कवच हो ताबीज हो। अब क्रिश्चियन मुसलमान को देखो वो भी काला धागा क्रस को भी पहनते हैं, क्यों? कोई गंदी चीज अंदर में प्रवेश नहीं करेगी। अगर गले में आपकी तुलसी कंठी हो तो फिर गले में कौन हो गए, लक्ष्मी हो गई, नारायण हो गए, सारे मेडिसिन हो गया,
इसलिए कोई भी गंदी चीज आएगा ना, ये तुलसी आपको रक्षा करेगा, तुलसी अंदर में प्रवेश नहीं देगा। इसलिए हम गले में तुलसी कट्टी धारण करते हैं। जो कुछ बोली बोलेंगे शुद्ध बन करके निकलेगा, जो कुछ खाएंगे अंदर में शुद्ध बन करके जाएंगे, हैं? इसलिए श्री जम महाराज जम दूतों को कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति नहीं करते है ना, उनको पकड़ पकड़ करके मेरे पास में ले आना। जम दूतों ने पूछा, प्रभु जी पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता कि नहीं करता, कुछ लक्षण बता दो। देखो क्या कहते हैं, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ते। जो पालतू कुत्ते देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ता पालतू है, और जो फालतू कुत्ते आप देखना बिने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं। देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, पालतू को कोई मारता नहीं फालतू को कोई छोड़ता नहीं। आप देखना रास्ता में ज्यादा कुत्ता हो जाए ना, सरकार से अड़ हो जाते हैं, सब बंदूक देख मार दो। लेकिन ये भूल से अगर किसी पालतू कुत्ते में लग जाए ना, फिर उस पर नाम रखेस हो जाती है। इसका मतलब है जिसकी गले में तुलसी कंठी है, हम ठाकुर जी की पालतू है। शास्त्र कहता है कभी आप जमपुरी जाओगे नहीं, कभी आप जमपुरी नहीं जा सकते हो, सीधा आप वैकुंठ जाओगे, ठाकुर को धाम में जाओगे। अगर गले में तुम्हारी तुलसी कंठी अगर बंधा हुआ हो, देखो भागवत में आती है एक व्यक्ति मरने का बाद हम लोग कितने बार कितने दिन के बाद में शुद्ध होते हैं बताओ। एक व्यक्ति मरने का बाद कितने दिन के बाद में क्रिया कर्म घर में शुद्ध होती है? 13 दिन के बाद। आप देखना मरने का बाद एक गरुड़ पुराण सुनते हैं, सुनते हो ना गरुड़ पुराण, आप वहां पर सब कुछ वर्णन आती है। बोले 13 दिन के बाद में क्यों शुद्ध होती है? वहां पर आता है एक बैतरण नदी उसे पार करना पड़ता है, जो नदी पीक खून पेशाब और टाटी की होता है, उस नदी पार करना पड़ता है। उसको पार करने के लिए 13 दिन लगता है, और ऊपर से कोड़े मार मार कर पार करवाते हैं। इसलिए आप सुने होंगे कभी कभी कहते हैं अगर ज्यादा पापी हो ना, बोले उसको नाम पर गैया दान दे दो, वो फिर पूछ पकड़ करके जल्दी जल्दी उद्धार हो जाएगी। बोले भैया ये बैतरण नदी किसको पार करना पड़ेगा? बोले जिसकी गले में तुलसी कंठी है, जिसकी गले में तुलसी कंठी होगी वो कभी भी ये नदी पार नहीं करेगा। क्यों? गले में लक्ष्मी नारायण की निवास है, भगवान की निवास की जन स्वयं कहते हैं। उनको अगर देखोगे ना दूर से प्रणाम कर लेना, समझ लेना ये पालतू ये फालतू नहीं है, ये पालतू है, ठीक है ना। कहते पहला नंबर है गले में ये पासपोर्ट हो गया, दूसरा नंबर भीजा। बोले भीजा क्या? बोले ये तिलक, ये तिलक को बताया भीजा के है, ये तिलक की बड़ी महत्व है। आप देखो यहाँ पर नारायण को देखो तिलक होगा, देखो आप कृष्ण को देखो तिलक लगाए होगा, राम को देखो तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक, तिलक है ही नहीं, देखो सबको लला करके तिलक है नहीं है, ये तिलक की बड़ी महत्व है। आप देखना हमारे भारत में अगर कोई अच्छे कोई बिजनेस के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए अच्छे काम के लिए, हम क्या करते हैं? तिलक लगा कर भेजते हैं। बोले क्यों? जो काम के लिए जा रहे हो काम तुम्हारी बन जाए, है? देखना घर में ब्राह्मण जो पूजा कराने आएगा सबसे पहले तिलक लगाएगा, तिलक के बगैर पूजा ही नहीं करवाएगा। क्यों? तिलक के बगैर पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए हम लोग जो तिलक लगाते हैं ये गोपियों की जन्नत बोली, ये ब्रज से आता है, ये जहां तहां नहीं मिलती है। ये नारद जी ये ब्रज धूलि को लेकर के द्वारका गए, भगवान को स्नान कराया गया वहीं पर गोपी तालाब। द्वारका कोई कोई गए हो? कौन कौन द्वारका गए हाथ उठाओ। हाँ, आप लोग जो जो गए वहां पर एक गोपी तालाब देखे होंगे। ये जो धूल है ना, जो तिलक वही आती है वहीं से। ये ब्रज रज है, इसको लगाने से मन शरीर पवित्र होता है, हैं? इसलिए तिलक की बड़ी जरूरत है। जैसे कोई कोई कहते हैं अरे भक्ति करना अंदर से करना, ऊपर दिखाने का क्या जरूरत, ये सब कंठी माला की क्या जरूरत। बोले नहीं, कुछ जरूरत है। देखो जैसे कुछ सधवा माताएं, हमें कैसे पता चलता है ये सधवा है? सिंदूर लगाते हो, मांग भरती है, मंगल सूत्र पहनती है, नाक में बेसर हाथ में शंखा है, देखने से पता चलता है ये सधवा है। और विधवा तो उसका लक्षण पता चल जाती है। बोले भैया सधवा कब से बने हो? बोले शादी से पहले कोई सधवा थे? नहीं, शादी को बाद में हुई। अगर बीच में लड़ाई झगड़ा में डाइवोर्स हो गया, नहीं तो अगर जिंदा भी रहे फिर मरने का बात तो फिर विधवा हो ही गए।
जब दो दिन ही पति के लिए कहते ना, ऐसे बर को क्या बरी जो जन्मे और मर जाए, बरा बरी और गोपाल दूसरा जो चुड़ल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हैं, इसलिए जो तिलक कंठी माला है ना, ये असली दुल्हन के चिन्ह है। हैं, अगर जैसे पति हमारी जिंदा है, लेकिन पति जिंदा रहते रहते अगर पत्नी विधवा को रूप धारण कर ले, एकदम सफेद साड़ी पहन ले, सारे श्रृंगार उतार ले और पति को सामने जाए, बताओ पति स्वीकार करेगा कि नहीं? आप बताओ पति स्वीकार करेगा कि नहीं? क्यों, पति को अंदर में रखा ना, बाहर क्यों दिखा रहे हो, इतना सिंदूर और मांग भर कर क्यों दिखा रहे हो, अंदर में रखो। नहीं, ये जगत का पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। जब ये पति शरीर का पति स्वीकार नहीं करे, वो जो परम पति जो असल पति है वो तुम्हें कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए तिलक कंठी की बहुत जरूरत है, इसलिए तुलसी कंठी तिलक पहननी चाहिए। और जो तीसरी चीज है, बाद में प्रश्न कर ले क्या, क्या क्या बोल रहे, इसको तो हम उदाहरण दिया है नहीं, हम उनको हम उदाहरण देने के लिए बताए। पति रूप में उनको पांच रस से भक्ति होता है, शांत तास सख्य बात्सल्य और मधुर। ये जो मधुर रस है सती रस है, और जो बात्सल्य रस है एक सख्य रस, दूसरे रस में भी भजन होती है। हम तो उदाहरण देने के लिए बताए इसलिए। और जो तीसरी चीज टिकट, तीसरी चीज क्या है, ये टिकट है। बोले ये टिकट क्या है, बोले ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की नाम ये टिकट है। आप देखना जीवन में जो कुछ करना कर लो, जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गलते है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने प्रभु का नाम ले रहे हो वही साथ में गया, यहाँ के सुई धागा भी नहीं जा रही। इसलिए हमें पासपोर्ट और वीजा और टिकट, हमें ये तीन चीज चाहिए, तभी हम ठाकुर जी के पास में पूरा। अगर तीन चीज होना आपको गोलोक वृंदावन वैकुंठ से कोई भी आपको रोक नहीं सकते, आप सीधा ठाकुर जी की पास में जाओगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। अभी हम लोग एक माला करेंगे, फिर इसको बाद में श्री गिरिराज की हम पूजा करेंगे, क्योंकि गिरिराज पूजा की सबसे बड़ी महत्व है। क्योंकि गिरिराज के लिए एक अन्न का दाना अगर कोई देना, किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। हम लोग श्री गिरिराज जी कथा सुनेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ी सी ना आगे आगे आ जाओ, पीछे जो माताएं बैठ सकती है, और उसको बाद में प्रभु जी एक काम करो, सबको एक माला पहुंचा दो, एक भजन गाकर चले जाए। फटाफट फटाफट कोई बोल रहे थे नाचेंगे क्या, कोई है कोई प्रोग्राम नहीं ना, कल हाँ ये माला को पकड़ा दो और तुम भजन गा दो। सब सबका हाथ में बंटवा दो। राधारानी सरकार की जय, जय जय श्री राम। राधा
संग संग हुए हमारे ब्रजवासी गण, श्री राधा नाम की चर्चा, श्री राधा नाम की महिमा, वो माधुरी का जो दर्शन किया, श्री राधा तत्व है कौन, बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है हमारे संतों ने। राधा तत्व हरि भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व व्योम तत्व पवन तत्व ब्रह्म तत्व विष्णु तत्व होरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व आनंद प्रसिद्ध तत्व शेष और गणेश तत्व शिव तत्व होरी है। प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखियो, नारद सुरेश तत्व नेति नेति जोरी है। तत्व के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, तत्व के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, कृष्ण रूप तत्व विश्वपाद की किशोरी है।
ना कुछ गा सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, ये कृपा केवल हमारे संतों की है, श्री गुरुदेव महाराज की है। हम तो एक ही बात जाने ब्रज में भैया, सब अंग गुणहीन हूँ और मोपे जतन ना कोए, और एक मेरी किशोरी कृपा से जो खचो होए सब। श्री राधे राधा की बल, अलबेली सरकार की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हाँ देखो, कल भागवत कथा की विस्तार, भागवत कल समाप्त नहीं होता है क्योंकि हरि अनंत हरी कथा है। कल भागवत का विश्राम है, हमारे कहाँ गए हमारे जो मालिक। कल जो कथा है 2 से लेकर के 5 बजे तक, क्योंकि लगता है मंदिर का कुछ प्रोग्राम होगा ना, कुछ प्रोग्राम मंदिर में हाँ, इसलिए कुछ कुछ प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए बोले वो कहाँ गए हमारे पतिदेव कहाँ गए। कल 2 से लेकर 5 बजे तक है ना, दो से लेकर के ठीक है, कोई ऐसा नहीं है वो उस तरफ में ठीक है। जैसे कथा हो रही है वैसे कथा होगी, कल कथा के विश्राम है ठीक है। और कल कल भगवान की रास की कथा सुनाएंगे, शंकर जी कैसे गोपी बन करके आते हैं, और कल सुदामा जी की चरित्र होगी, और कल भगवान द्वारकाधीश का शादी है, इसलिए कल शादी का है ना, इसलिए शादी में जैसे बराती बन करके आते हैं, आप लोग सब बराती बन करके आना है, और सबके सब लाल रंग के साड़ी चुंदरी कपड़ा जो कुछ है ना सब लाल होनी चाहिए। कौन सा रंग है, नहीं हो तो उधार करके पहनना, लेकिन लाल पहन करके आना ठीक है ना। और जैसे हैं जैसे आओ मेरी सखिया, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, दूल्हा जी नहीं श्याम सुंदर की गोपी बना दो, इसलिए कल सबके सब गोपी भाव से आना, क्योंकि भगवान प्रेम की केवल भोले हैं। आप उनको जिस रूप में प्रार्थना करोगे ठाकुर जी, उसी रूप में ठाकुर जी कृपा करते हैं, इसलिए कल बड़े धूमधाम से संघर्ष करके आना। कल बांके बिहारी की यहाँ पर शादी होगी ठीक है, और कल होली खेलेंगे ठीक है। किस चीज की, फूल की होली ना गुलाल की होली खेलोगे, गुलाल की ना फूल की, फूल की सब घर से फूल लाना पड़ेगा, इसलिए घर से थोड़ी थोड़ी फूल लेकर के आता ठीक है। कल यहाँ पर आज ब्रज में होली रखिया, बड़े धूमधाम से कल भगवान की होली खेलेंगे, और खूब कल खूब ज्यादा करके नाचेंगे और ज्यादा करके गाएंगे, क्योंकि कल कथा की विश्राम। हाँ, जैसे कृष्णा रुक्मिणी की शादी होगी, अगर आप लोग कोई रुक्मिणी के लिए साड़ी ला सकते तो लाना, फिर अगर कोई अच्छे साड़ी लाओगे ना, हम वृंदावन में हमारा मंदिर में ठाकुर जी राधा रानी है, पर अच्छी कोई साड़ी लाओगे तो हम राधा रानी को पहनाएंगे ठीक है। देख लेना अगर बढ़िया कोई लाओगे तो वहाँ जगन्नाथ बलदेव राधा रानी और वृंदा देवी है, उनको हम ठाकुर को पोषाक पहनाएंगे। अरे भी सुदामा जी का कल भी, सुदामा चरित्र भी कल है। अब देखो हमारा मंदिर से पालकी निकलती है, अरे बोल जाओ हमारा मंदिर से करके 2 जगह से पालकी निकलती है, एक तो पालकी निकलती है क्योंकि इधर आ जाओ नवीन प्रभु जी, और एक तमाल प्रभु, बताओ तो कहाँ से पालकी निकलती है हम लोग, मठ से, कौन सा जगह से, हमारे रमण बिहारी गौरी मठ से एक पालकी भक्तों का घर घर में पालकी जाती है। जैसे ठाकुर जी को अगर कोई अपना घर में बुलाना चाहे, हमारे भक्त लोग पालकी लेकर जाते हैं, उसके घर में कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, अगर घर में ठाकुर जी आए भक्त लोग आए वो भगवान का धाम बन जाते हैं, ठाकुर जी की धाम बन जाती है। अगर आप लोग कोई अपना घर में ठाकुर जी का लिवाना चाहते हो, अगर मंदिर से अगर आप लोग जुड़ोगे, मंदिर से अगर संपर्क करोगे, तो एक हमारे श्री तमाला प्रभु जी और एक हमारे श्री नवीन प्रभु जी, ये दो लोग ये दो पालकी निकालते हैं, जिनका घर पास में पड़ेगा, एक जगह मंदिर है हाँ, एक है जनकपुरी B3 और एक है विकासपुरी ठीक है,
विकास बोली दिल्ली से खड़े हो जाओ, इसलिए हमारे ये दो प्रभु पालकी निकालते हैं, हैं? इसलिए जिनकी घर का पास में जिनकी होएगी जो स्थान आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हो, ये लोग पालकी ले जाएंगे घर में सत्संग कीर्तन करने घर में, ठीक है? हाँ, उसमें कोई चार्ज नहीं है, कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है? उसका आप लोग इनको साथ में हाँ कल सवेरे हरिनगर में कल पालकी आएगी। कहाँ से आएगी? विकासपुर से पालकी हरिनगर में आएगी। आपका पालकी कहाँ है? किसके घर आ रही है? शिवलोक में आ रही है। यहाँ पे आएंगे बड़े बड़े। अच्छा, वो शिवलोक शिवलोक में आ रही है। हाँ, शिवलोक में, ठीक है। और एक आना समेत है, देखो ये कथा जैसे कर हाँ देखो इधर सात बजे हाँ देखो जैसे ये कथा कल विश्राम होगी ना, परसों से फिर ये कथा और एक जगह पर शुरू हो रही है। विशाल शिव मंदिर विशाल एन्क्लेव में, विशाल शिव मंदिर विशाल एन्क्लेव राजौरी गार्डन, मेट्रो स्टेशन राजौरी गार्डन का प्रथम। ये परसों से फिर वहां से भी चार बजे से लेकर के सात बजे तक यही कथा फिर वहां होगी, इसलिए आप लोग वहां भी आना, वहां पर भी आनंद लेना, ठीक है? वहां पर भी कथा के आनंद लेना। हाँ देखो, हाँ अभी मैंने चार ही गोहों की कथा सुनाई ना, कौन सा गो साथ में गई? सबसे छोटी चौथी नंबर ही है, यही साथ में गई, मतलब भगवान का नाम ही हमारी साथ में जाएगी। अगर किसकी इच्छा हो हम भगवान की माला जप करेंगे, ठाकुर जी का माला जप करेंगे, हम आपको कल माला देंगे, ठीक है? लेकिन दो माला दो तरह से देते हैं, अगर कोई मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि जो प्याज लहसुन नहीं खाते हो, उनको हम तुलसी माला देते हैं, गले में भी तुलसी की कट्टी देते हैं, जप करने के भी तुलसी माला देते हैं। अगर जो बोलेगा हम एक साथ में चीज़ को छोड़ नहीं सकते, धीरे धीरे ये चीज़ को हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे आस्ते आस्ते फिर हम उनका नीम की माला देते हैं। अभी जो माला आपको पास दिया है ना, ये नीम की माला, फिर उनका हम नीम की माला देते हैं। इसमें ठाकुर जी नाम जप करते, जितने प्रभु का नाम जप करेंगे उतना अशांति दुख कष्ट दूर होता है, उतना घर में शांति सुख आ जाएगा, है? फिर धीरे धीरे जब प्याज लहसुन छोड़ दोगे और गद्दी चीज छोड़ दोगे, फिर हम तुलसी माला आपको फिर हम तुलसी माला देंगे, ठीक है? जिसकी इच्छा होगी कल हम आपको ये माला देंगे। अभी एक माला दिया ना, अभी माला जप करना, इसको बाद में फिर गिरिराज की कथा सुनेंगे, फिर प्रसाद लेकर गिर। हरे कृष्णा, सब माला पहुंच गया आपके पास में? हाँ हाँ, सब के सब बैठ जाओ, देखो समझो, आज जिनको पास में नहीं कोई चिंता नहीं, हमारे साथ साथ में जब कर पूरी फल मिलेगा। और सब के सब जोर जोर बोलना, क्योंकि करी करी हम लोग 340 से भक्त लोग, अगर जोर जोर से बोलेंगे ना, सबका कान की सभी का ध्वनि सबकी कान में पड़ेगी। माला तो एक ही करेंगे, लेकिन आप समझो 4 लाख माला करने का बल मिलेगा। आज आपका नाम पर बैंक में 4 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना? इसलिए सबके साथ आंख बंद कर दो, समझो वृंदावन में हम श्री बांके बिहार के चरण में बैठेंगे, बैठ करके सबके सब मेरे साथ जप करो। यहाँ पर कोई है हमारे ब्रह्मचर्य, तो भोग लगा सकते हो ठाकुर जी, इसको खोल दो और गिरिराज को मंत्र से भोग लगाओ। हाँ मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
हरे हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
लगता है माला पूरी हो गई, सब के सब माला बांधेंगे। जो प्याज लहसुन छोड़ोगे और दूसरा चीज छोड़ना, और जो नहीं जो छोड़ोगे फिर गले में तुलसी की कट्टी भी दूंगा, गले में तुलसी की माला भी दूंगा। और जो बोलोगे धीरे धीरे छोड़ेंगे, आप सबके सब नीम माला लेकर भजन करना, ठीक है? और अपना जो नाम और आपका जो फोन नंबर दे जाना, जैसे कहीं प्रोग्राम होता है हमारी मंदिर में, जो फंक्शन होती है राधा अष्टमी जन्माष्टमी रामनवमी, बड़ी सुंदर सुंदर उत्सव होता है मंदिर में, बड़ी प्यारी प्यारी वहाँ पर प्रोग्राम होता है, फिर मंदिर में आते रहोगे जुड़ते रहोगे, फिर भक्ति धीरे धीरे आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना? इसलिए आप लोग अपना फोन नंबर और नाम कल कमला प्रभु आना, ठीक है? सबका एक कापी पेन लेकर के आ जाना, ठीक है? कापी पेन लेकर के सब नाम और फोन नंबर ले लेना, आपको ये मैसेज करते रहेंगे, धीरे धीरे आते रहोगे, भक्ति धीरे धीरे तुम्हारी फलते फूलते रहेंगे, ठीक है? श्री गिरिराज, देखो कल मैंने बताया था ना, ये गिरिराज सर्व अभिष्ट, मतलब गिरिराज से जो मांगोगे, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुकान मकान, जो कुछ मांगोगे गिरिराज सब कुछ दे देते हैं। जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं, इतने कष्ट कर रहा है, हमसे ये क्या मांगेगा? इसलिए जो मांगोगे गिरिराज सो दे देगा। हाँ, कहते ये संसार की वस्तु तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं अगर एक चीज गिरिराज से मांगोगे ना, फिर गिरिराज चिंता में पड़ जाते हैं, दो की नहीं दो। वो क्या है? बोले उनकी सेवा, उनकी भक्ति और उनका प्रेम। अगर निष्कपट होकर मांगोगे, भगवान अपना भक्ति प्रेम और अपना धाम भी ठाकुर जी दे देते हैं, ठीक है? इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा, अभी गिरिराज की कथा सुनो। जो जितने जोर से गिरिराज की जयकार लगाएगा, उतना पाप खत्म होगा और इतना भक्ति आएगा, ठीक है? देखते हैं जोर लगा कर जैसे छत उड़ जाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी लग रही कथा हो रही गिरिराज। हाँ देखो गिरिराज की कथा सुनो। गिरिराज की जो कथा है ना, विभिन्न पुराण में विभिन्न रूप में आती है। ये गर्ग संहिता की कथा है। एक समय श्री गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण दोनों बैठे थे, आपस आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे एक सुंदर स्थान हो जो पृथ्वी का सबसे सुंदर, एक साथ में जहाँ छह ऋतु बहता हुआ हो, जहाँ पर ठंडा नहीं गर्म नहीं, जहाँ पर और एक वृक्ष में सब तरह का फूल मिलनी चाहिए, और एक वृक्ष में चीकू केले अमरुद एप्पल सब कुछ मिलनी चाहिए, और जहाँ पर सुंदर सुंदर कुंज हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर झरना हो, जहाँ पर अपूर्व सुंदर सुंदर सरोवर हो, सुंदर सुंदर तालाब हो, हैं, जहाँ पर कोई कुहूक नहीं, कोई और मयूर जहाँ पर राधा रानी की कृष्ण की गुणगान करे, ऐसे एक धाम होने चाहिए जो पृथ्वी का सबसे प्यारी स्थान हो। तब श्री किशोरी राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज को मैंने प्रकट किया, इसलिए बोले प्रकट है ये मनसा जात। जो मूल प्रकृति श्री किशोरी जी, उनके हृदय से ये गिरिराज प्रकट हुए। बोले श्री गिरिराज बाबा की। बोले एक समय कृष्ण राधा रानी से बोलती है, बोले राधे मैं ये मरते जगत में जाना चाहती हूँ, मेरे साथ में चलोगी? बोले मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, जहाँ पर निधुवन निकुंज वन नहीं, मैं वहां नहीं जाती हूँ। कृष्ण बोले हे राधे, जब वो गोलोक वृंदावन से ये मरते जगत में मैं उतरूंगा, कि जो गोलोक वृंदावन देख रही ना, जो कुछ सबके सब मैं मरते जगत में उतार लूंगा, मैं अकेले नहीं, मेरे साथ में मेरे ग्वाल बाल चलेंगे, पिता माता सबके सब चलेंगे, तू अकेली नहीं, तेरे साथ में तेरी सखियां मंजरी तेरी पिता माता सब चलेंगे। बोले फिर तो मैं चलूंगी, फिर मैं चलूंगी। राधा रानी राजी हो गई। मतलब आप वृंदावन में जो कुछ देखोगे ना, ये यद्यपि दिखता ही इसे मरते जगत में, लेकिन मरते जगत में नहीं,
वो गोलोक वृंदावन से पूरा के पूरा सब के सब वहां उतर करके आए, लेकिन हमें दिखती नहीं क्यों, बोले हमारे आंखों को ऊपर में एक माया की पर्दा चला हुआ। लेकिन जब हम सही सही भक्ति करेंगे फिर तो अभी भी देखोगे कृष्ण वृंदावन में बंसुरी बजाते हैं, अभी भी कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चराने जाते हैं, अभी भी कृष्ण रास करते हैं। देखो अब मैं भी सही घटना सुनाता हूँ। बोले एक समय कोई एक व्यक्ति का नाम थी किशोरी, लेकिन वो बहुत प्यारी बड़ी सुंदरी पतिव्रता थी, लेकिन पति की बड़ी सेवा करती थी। क्या हुआ, कुछ दिन बाद में पत्नी मर गई। जब शरीर छोड़ दी, पति बहुत आसक्त था क्योंकि बड़ी पतिव्रता थी, पति सेवा करने वाली थी। अभी पत्नी की चिंता करते करते हो गया पागल। अभी दिन रात हा किशोरी तू कितने प्यारी हो, हा किशोरी तू कितने थाली भर भर के खिलाती थी, हा किशोरी तू कहाँ गई। अभी ऐसे करते करते कैसे वृंदावन में आ गया। अभी रात में नींद नहीं, हा किशोरी हा किशोरी, लेकिन वृंदावन में किशोरी को किसको कहते हैं, किशोरी राधा रानी को कहते हैं। इसलिए राधा रानी की चार तरह का रास है, एक नित्य रास, एक महारास, एक बासंती रास और एक श्री शारदीय रास। चार तरह का प्रभु का रास है, एक रास नित्य रास है जो रोज वृंदावन में रास होते हैं। अभी राधा रानी सखियों को साथ में रास रचाने के लिए आई, इतने में ये तो हा किशोरी तू कहाँ हो, हा किशोरी तू कहाँ गली गई। अभी ये कान राधा रानी की कान में पड़ी। देखो जैसे दो व्यक्ति का नाम अगर एक हो ना, अगर मैं एक व्यक्ति को बुलाऊंगा दूसरा व्यक्ति आवाज देगा क्या मुझे बुला रहे हो। अभी राधा रानी तो बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु राधा रानी। अभी राधा रानी का कान में की आवाज पड़ी, मेरे को कोई किशोरी किशोरी बोल करके बोल रहा है। इतने में बोले ललिता देखो कोई मेरे एक भक्त आया वृंदावन में, देखो कैसे आर्तनाद से सोया नहीं, मेरे नाम को कैसे ले रहे। ललिता डांटती बोले चुप रहो, तेरे को बुला रही है। उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो बड़ी प्यारी पतिव्रता थी, कम उम्र में मर गई, इसलिए बहुत ही आसक्त हो गया था। वो अपना पत्नी को बुला रहे, तू चुप रहो तेरे को नहीं बुला रही, लेकिन वो तो किशोरी हाँ किशोरी 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 बुला रही है, अगर बोले तो कान में तो टकराएगा। इतने में राधा रानी कहती है देखो मेरे को पता उसकी पत्नी का नाम किशोरी, लेकिन वो कहां पर आकर के बोल रही है। बोले मेरे धाम में, ये बताओ किशोरी नाम किसकी, ये मेरी है ना, लेकिन उसकी पत्नी को दी गई थी किशोरी नाम, लेकिन किशोरी कौन है, मैं ही नित्य किशोरी हूं और मेरे धाम में आकर कर कोई बुलाए। इसलिए हे ललिते भले ही वो अपना पत्नी को बुला रही ला उसको लेकर आ जा। तब वो गए, उन्होंने पकड़ करके उसको लाए और राधा रानी उसको सर पर हाथ रखते ही वो तो एक पागल था हैं, फिर उसने दूसरे पागल बन गया। कहते ना कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, ये जितने पागल है ना सब झूठे पागल है। सच्चा पागल कौन है, बोले श्री राधा रानी की। असली पागल कौन है, श्री राधा रानी का प्रेम में जो पागल हुई असली पागल है। राधा रानी की कृपा होती दूसरी पागल हो गई राधा जी की प्रेम में, मतलब राधा रानी इतने दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु। इसलिए वृंदावन जाकर के कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जोर से बोला जोर से, वृंदावन में सबके सब श्री किशोरी जी की राधा जी का सबके सब नाम लेते। क्यों, राधा रानी अत्यंत दयालु अत्यंत कृपालु श्री राधा रानी। इसलिए अभी श्री बोले देखो राधे पूरा का पूरा गोलोक वृंदावन उतार लूंगा, इसलिए हमें नहीं दिखती है क्योंकि हमारे आंखों के ऊपर में माया की परत डाला हुआ। लेकिन जब भक्ति करते करते हृदय जब निर्मल हो जाता है ना, फिर तो वृंदावन की अपराकृत भूमि देखो कि हर जगह में कृष्ण झलकेंगे, हर जगह में प्रभु आपको, हर जगह में प्रभु की आपकी दर्शन होगी, ठीक है। इसलिए उन्होंने राधा रानी राजी हो गई, मतलब है ये जो यमुना महारानी जो गिरिराज के कौन ये गोलोक वृंदावन से आए। बोले भैया यमुना है कौन, बोले एक समय भगवान कृष्ण अपना भजन को सुने, अपना राग रागिनी सुने, जब राग को सुने कृष्ण का शरीर से प्रेम से पसीना निकली, जब पसीना निकली मैया जसोदा कन्या को मोटी मोटी काजल लगा दी थी, वो पसीना जब काजल में मिल गई ना हो गई काली, फिर वो पसीना बक्ष स्थल को प्रवाहित होते हुए उनके चरणों को स्पर्श होते हुए जो बहती है ये श्री यमुना को बताया। इसलिए ये यमुना नहीं ब्रह्म द्रव गात्र,
जब राधा कृष्ण द्रवीभूत होकर के जब पानी रूप धारण करते हैं, ये जमुना बटरानी बोले ये गिरिराज गोवर्धन कौन है, बोले जब राधा कृष्ण का प्रेम एक जगह पर जम जाए हैं, तब ये श्री गिरिराज गोवर्धन है, ये कोई पहाड़ नहीं गिरिराज गोवर्धन। हाँ देखो गिरिराज की कथा सुनो, ये गिरिराज की क्या स्वरूप है और ये गिरिराज आए कैसे, इनकी दो कथा सुनने को मिलती है। पहला कथा है जब भगवान राम माता सीता को उद्धार करने के लिए जाएंगे, समुद्र ने कहा देखो आपको पास में दो बंदर, एक नल और एक नील, इनको ऋषि की वरदान है अगर कोई चीज को स्पर्श करेगा ना वो डूबेगा नहीं तैरेगा, पत्थर लाओ स्पर्श कराओ वो तैर करेगा। अभी प्रभु राम आदेश दिया, बोले भैया पत्थर लाओ और उसको स्पर्श करते ही वो तैरेगा, हम पार हो जाएंगे। हनुमान जी ने देखा भैया बड़े से बड़े पत्थर कहीं मिल जाए, अरे भैया सीता की जल्दी उद्धार हो जाएगी। भ्रमण करते करते सांबली द्वीप में पहुंचा, देखा श्री गिरिराज गोवर्धन, विशाल गिरिराज गोवर्धन, ये 64 मील ऊंचाई थी, इतने लंबी हुलस्त ऋषि के अभिशाप से धीरे धीरे नीचे जा रहा है विशाल। कौन कौन गिरिराज गए हो, गए ना, कितने बड़े गिरिराज को देखा, अभी तो बहुत छोटी है, धीरे 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 नीचे जा रहे हैं गिरिराज। कितने बड़े गिरिराज को देख करके बोले भैया अगर इसको ले जाए ना जल्दी जल्दी पुल बन जाएगी। इतने में हनुमान जी जय श्री राम बोल करके एक हाथ में श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए और हनुमान जी उड़ते हुए आ रहे थे। अभी जहाँ पर वृंदावन में जहाँ गिरिराज जब वहीं पर आए, इतने में पुल बांधना समाप्त हो गया। भगवान राम बोले देखो बंदरों अभी पत्थर की जरूरत नहीं, पुल बंद गया, बोल दो जो जहां से ला रहे वहीं रख ले। हनुमान जी गिरिराज को वहीं पर धर दिया, अभी गिरिराज तो रोने लग गए, बोले हनुमान जी इतने दूर से मेरे को लाए हो, अगर वहां तक ले जाते प्रभु सीता की प्रभु राम की सेवा में लगता, प्रभु मेरे ऊपर चल करके जाते, माँ सीता जनकी की सेवा में लगता, यहाँ मेरे को रख दिए मैं सेवा से वंचित हो गया। हनुमान जी ने कहा नहीं बेटा, यही राम द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे, अभी तो तेरे को थोड़ी सी सेवा मिलता, उसी समय कृष्ण तेरे ऊपर दया चलाएंगे, तेरे ऊपर में जल विहार करेंगे, तेरे कुंज कुंज में लीला करेंगे और तेरे को तो 7 दिन तक ठाकुर जी कनिष्ठ अंगुल पर धारण करेंगे, सारे ब्रजवासी तेरे नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, इससे 1000 गुण ज्यादा तुमको सेवा मिलेगी, चिंता मत करो, द्वापर युग के लिए अपेक्षा करो। तब गिरिराज जी प्रसन्न हो गए। ये एक कथा आती है। फिर दूसरी कथा आती है, एक ऋषि थे जिनका नाम था पुलस्त ऋषि। ये पुलस्त ऋषि जब श्री गिरिराज गोवर्धन गोलोक वृंदावन से आए, इन्होंने अपना पिता माता द्रोणाचल पर्वत को पिता बनाया और पृथ्वी को उन्होंने माँ बना करके उन्होंने सालमली द्वीप में जन्म हुए। गिरिराज गोवर्धन रूप में सुंदर गिरिराज रूप में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए सारे देवता लोग स्वर्ग से पुष्प की बौछार की, बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए सारे देवता लोग प्रसन्न हुए, बोले क्यों गिरिराज ही इस वर्त जगत में आए। एक दिन पुलस्त ऋषि सालमली द्वीप में पहुंचे, देखो इतने सुंदर पर्वत, हर तरह का पेड़ लता पत्ता फूल सरोवर से अद्भुत सुंदर, जीवन में कभी इतने सुंदर पर्वत देखा नहीं। पुलस्त ऋषि रहते थे वहां पर, रहते थे काशी में, काशी एकदम सूखा था, संत लोग तो रहते थे लेकिन सूखा था मरुभूमि जैसे। पुलस्त ऋषि ने कहा अगर ये गिरिराज को किसी तरह से हम वहां ले जाए ना, संत लोग वही के भजन करेंगे, झरना के पानी पिएंगे, फल फूल खाएंगे। तब उन्होंने उनको पिता माता को बोले आपका बेटे गिरिराज को दे दो, अगर आपका घर में कोई आए बोले भैया तेरे बेटे को दे दो, बेटे को दोगे आप, बोली भैया ये कैसे ऋषि, एक बेटा बोले बेटे को दे दो, फिर देखा अगर मना कर दो ना अभिशाप दे देंगे। उन्होंने भैया बेटे को पूछ लो जाएगा कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। जब उन्होंने बेटे को बोले गिरिराज जी मेरे साथ में चलना पड़ेगा, गिरिराज भी फंस गए, अगर मना करो तो अभिशाप दे देंगे। बोले देखो दो शर्त में मैं जा सकता हूँ, पहला शर्त है मैं चलकर के नहीं जाऊंगा, मेरे को हाथ को ऊपर में उठा कर लेना पड़ेगा। दूसरी शर्त लेते लेते कहीं अपवित्र हो गए, अगर बीच में इसको रख दिया ना फिर मैं वहां से जाने वाला नहीं। बोले कोई बात नहीं। तब श्री पुलस्त ऋषि ने
उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने पूरा उठा लिया। उठाते उठाते जहां पर गिरिराज वृंदावन में जब वहीं पर आए, गिरिराज कौन है, गोलोक वृंदावन से राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए, वो कृष्ण सेवा के लिए वो आए हैं। जब वृंदावन में आए उनको याद आया, बोले प्रभु मैं तो प्रभु की सेवा के लिए आया हूँ और यहाँ का रसभूमि और मेरे को काशी फांसी लगाने ले जा रहा है, मतलब काशी मायावादी ब्रह्मवादियों का स्थान, वो पूरा नीरस है। उन्होंने ठाकुर जी को प्रार्थना की, बोले ठाकुर जी मेरे को अपना चरण में स्थान दे दो, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। इतने में इतने जोर से लघु संख्या लगी, हुलस्त ऋषि को रोक नहीं पाए और वहां पर लघु संख्या में बैठना घंटे तक उनको लघु संख्या ही खत्म नहीं हो। उसके बाद में हाथ पे हाथ धो करके जब उठाने के लिए गए ना, गिरिराज बोले और मैं नहीं चलूंगा, उठे ही नहीं। बोले क्यों? बोले आपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया, बीच में रखे अपवित्र हो गए। बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, हर पल पल में तू खीण होते जाओगे, खीण होते जाओगे। बोले देखो मैं तो कृष्ण सेवा के लिए रहना चाहता हूँ, इतना आशीर्वाद दो जब तक प्रभु नहीं आते तब तक पूर्ण रहो, प्रभु लीला करके जब चले जाए ना फिर तो जो कुछ हो जाए हो जाए। बोले तथास्तु बोलती है। इसलिए ये दूसरे तीसरी कथा है, ब्रह्मा विष्णु महेश कठोर तपस्या की। भगवान बांके बिहारी राधा जी को बोले क्या चाहते हो? बोले ब्रज में हमें जन्म दो। बोले किस रूप में? देखो ब्रज का कितना महत्व। बोले किस रूप में? मेरा सखा सखी। बोले नहीं नहीं। बोले पशुपति? बोले नहीं नहीं। बोले किस रूप में? बोले अगर पहाड़ रूप में जन्म हो जाए, अगर आप हमारे ऊपर लीला करो ना, जीवन धन्य हो जाए। देखो ब्रज क्या है। आप लोग नंदगांव गए हो? कौन कौन नंदगांव गए? देखना वो नंदगांव नहीं, वो नंदीश्वर महादेव। जब पहाड़ के ऊपर जाओगे ना, देखो कि श्री शंकर जी वहां पर है। 5 मिनट खत्म। इसलिए ये स्वयं श्री नंदीश्वर महादेव है। कहते बरसाना कौन है? बोले ब्रह्मा जी। कहते गिरिराज कौन है? बोले ये स्वयं श्री विष्णु। इसलिए ये तीनों देवता तीन रूप में ब्रज में प्रकट हुए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। एक समय श्री मैया यशोदा लड्डू कचौड़ी मालपुआ बड़ी सुंदर सुंदर बना रही थी। इतने में कृष्ण बोले मैया मैया ये बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रहे हो? क्या कल मेरी जन्मतिथि? बोले नहीं। बोले दाऊ? बोले नहीं। बोले फिर? बोले पिताजी को पूछ। इतने में पिताजी की गोद में बैठे बोले बाबा बाबा ये मैया राम पर लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रहे हैं? बोले लाला कल हम इंद्र की पूजा करेंगे। बोले बाबा इंद्र कौन है? बोले स्वर्ग का राजा, इनकी अधीन में ये मेघ रहता है, इनके आदेश पर बारिश होने पर घास होता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं और दूध ही हमारा मूल आहार है। बोले पिताजी ये ब्रज का जो देवता है ना, ये गिरिराज गोवर्धन है, हम लोग जो ब्रजवास कर रहे हैं इन्हीं की कृपा से ही कर रहे हैं। बाबा इसको पत्थर मत समझो, ये साक्षात ब्रज की प्रकट देवता। बोले इंद्र की पूजा कब से कर रहे हो? बोले जब से होश आए। बोले जब भोग लगा तो खाना देखा? बोले नहीं। बोले जब ये गिरिराज की आप पूजा करोगे ना, ये स्वयं प्रकट होकर के आपका दर्शन देंगे, इनसे जो कुछ आप मांगोगे, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुनिया दारी सब कुछ ये प्रदान करेंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से ठाकुर का गिरिराज के दर्शन मिला। बोले हाँ बाबा साक्षात रूप में प्रकट होकर ग्रहण करेंगे। बोले भैया फिर तो कल से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले ढिंडरा पिटवा दो ब्रज में, कल इंद्र पूजा नहीं, कल से गिरिराज गोवर्धन की पूजा हम करेंगे। इतने खाना लाए तिरसठ गाँव से, तरली बरली सही जगह तिरसठ गाँव इतना लाए ना, उसका नाम पड़ गया अन्न कूट। कूट मतलब होता है पर्वत, सब अन्न का पर्वत, रोटी का पर्वत, सबका सब पर्वत है। इतने में कृष्ण अपना हाथों से गिरिराज जी उन्हें अभिषेक किया, अभिषेक करके जितने प्रसाद लाए थे सब में तुलसी पत्ता रख दिया, रख करके उन्होंने गिरिराज को आसन दे करके पुष्पांजलि दे करके गिरिराज के आह्वान किया। आह्वान करते ही सचमुच से सबके सब देखा गिरिराज विशाल रूप में गिरिराज प्रकट होंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज। गिरिराज जी हाथ बड़ा बड़ा करके खा रहे थे, मिनट में उन्होंने सब कुछ खा लिए। बोले आनो रे और लाओ और लाओ। आप लोग जो परिक्रमा करने के लिए गए होंगे ना, वो पहला गांव का नाम आनोर गांव है। ब्रजवासी बोले प्रभु आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ,
अरे भगवान सबको वरदान दिया, बोले देखो जिसकी मन में जो कुछ इच्छा मांग लो, देखो आपका सामने भी ठाकुर जी खड़े हैं। ये गिरिराज कौन है? गिरिराज स्वयं कृष्ण ही। ये गिरिराज आपके मन में जो कुछ इच्छा श्री गिरिराज से मांग लो, गिरिराज सब इच्छा को पूरी कर देते हैं। जो व्यक्ति इनकी परिक्रमा करे ठाकुर जी पीछे 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 ठाकुर जी चलते हैं, ठीक है। और विशेष करके इनके पास में इनकी भक्ति सेवा इनकी प्रेम मांगो, क्योंकि अगर प्रेम मिल गया ना भक्ति सब धन आपको अपने आप मिल जाएगी। अभी ब्रजवासी कृष्ण बोले भैया चकाचक भोजन करो, चलो हम श्री गिरिराज की परिक्रमा मिलकर करेंगे। स्वयं कृष्ण गिरिराज की परिक्रमा, स्वयं कृष्ण नंद जसोदा सबको लेकर के प्रभु ये गिरिराज की परिक्रमा की, हम भी अभी परिक्रमा करेंगे, ठीक है प्रभु जी। बड़ी सुंदर सुंदर भजन गाएंगे, भजन में सबके सब नृत्य करना, ठीक है। देखो हरे कृष्ण, मैं इतने कथा जानता हूँ ना कि गिरिराज की कथा में बहुत सुना सकता हूँ, इतने कथा मेरे को पता है, लेकिन यहाँ समय का लिमिट अगर है और कभी आएंगे तो ज्यादा कथा सुनाएंगे, ठीक है। अभी आप सबके सब खड़े हो जाओ, अभी प्रभु जी बड़ी सुंदर गिरिराज की भजन गाएंगे, सबके सब गिरिराज के भजन में सबके सब नृत्य करना, ठीक है। अब सबके सब खड़े हो जाओ, बोलो गिरिराज महाराज की। देखो हरे कृष्ण, देखो ध्यान से सुना, कल है भागवत का विश्राम का दिन, ध्यान से सुना कल की कथा, जो पूरी सुनेगी ना, जो सात दिन की कथा नहीं सुने पर आधा सुने बीच में आए, कल कथा जो ठीक ठीक से सुनेगा उसको पूरी सात दिन कथा सुनने का फल मिलेगा। इसलिए कल का